मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ धार संघ द्वारा 24 अगस्त को इंदौर में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, एबीपी न्यूज के स्टार एंकर श्री वर्धन त्रिवेदी, कई वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद। सम्मानित किए गए पत्रकारों व समाज सेवियों को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं श्री वर्धन त्रिवेदी द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। दस्तूर गार्डन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पिछले कई सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा दे रहे पत्रकारों का सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा मीडियाकर्मी आलोक शर्मा, वाजिद अली कुरेशी, अनिल मिश्रा, हर्षल सिंह राठौर, डॉक्टर जमुना मिश्रा, रितु साहू, अनुज भोमिया, कमलेश श्रीवास्तव, भावना शुक्ला, महेंद्र पाठक, रजनी खेतान, समीर खान, दर्शना काला, राजेश दुबे, प्रमोद शुक्ला, दाऊद कुरेशी, जहीन गोरी सहित पत्रकारों को सम्मानित करते हुए एबीपी न्यूज के स्टार एंकर श्री वर्धन त्रिवेदी द्वारा अवार्ड दिए गए। इस कार्यक्रम में कई समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। इसमें डॉक्टर वंचना सिंह परिहार, श्रीकांत मंडलोई, मनोहर देव, डॉक्टर नरेंद्र धाकड़, डॉक्टर सचिन शिंदे, माला ठाकुर, ममता शर्मा, सलीम शेख, सुषमा शर्मा, डॉक्टर सुनंदा जैन, सुधीर कटियार, आधार सिंह चौहान, डॉक्टर आनंद जैन, सलीम शेख आदि को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांताध्यक्ष शलभ भदौरिया ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं संभागीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला, लोकेंद्र सिंह धावर, विद्युत प्रकाश, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा समाज सेवियों व पत्रकारों का सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ धार संघ द्वारा 24 अगस्त को इंदौर में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपने जीवन रूपी साधन को हर वक्त करते रहिए, दीन करते रहिए। कबीर दास जी ने कहा ही है कि जस की तस धर दीनी चदरिया। तो हमको जैसे उन्होंने चादर हमारे साथ भेजी है, जैसे ये चादर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको लौटाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ, जिस मिशन के साथ आज सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिस उद्देश्य के साथ। आपका ये उद्देश्य पूर्ण हो, आप सफल हो, सुरक्षित रहें, परमपिता परमेश्वर की कृपा बनी रहे और अपने अपने धर्म और लक्ष्य का पालन आप लोग जरूर करते रहें और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें।